महापौर नीरज पाल के महापौर बनने के उपरांत नगर निगम की पहली सामान्य सभा शुक्रवार 25 मार्च को संपन्न हुई। सभा में महापौर और उनकी परिषद सहित पक्ष विपक्ष के सभी पार्षद उपस्थित हुए। शहर विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सामान्य में अंत तक सदन में बहस जारी रही। नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद शहर सरकार का गठन होने के उपरांत नगर निगम सभागार में पहली सामान्य सभा विभिन्न विषयों को लेकर संपन्न हुई। सामान्य सभा में महापौर नीरज पाल सहित उनकी परिषद के सदस्य और पक्ष विपक्ष के सभी पार्षद उपस्थित हुए। सभापति गिरिवर साहू की उपस्थिति से सामान्य सभा की कार्रवाई शुरू हुई। सभा के शुरू होते ही दोनों पक्षों के पार्षदों के बीच विभिन्न विषयों को लेकर टकराव बहस की स्थिति निर्मित होते रही। भाजपा पार्षद भोजराज भोजू, रिकेश सेन, पीयूष मिश्रा ने नगर निगम द्वारा बिक्री किए जा रहे भूखंडों, संपत्ति को बेचने आदि का मुद्दा उठाया, जिस पर महापौर परिषद के सदस्यों और विपक्षी पार्षदों के बीच हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। विपक्षी पार्षदों के सवालों का जवाब देने महापौर परिषद के सदस्य सीजू एंथोनी जवाब देने के लिए खड़े हुए और विपक्षियों को वस्तु स्थिति से अवगत कराने की कोशिश की, जिसके बाद महापौर परिषद के लक्ष्मीपति राजू अपने स्थान से खड़े हुए और जवाब दिया। महापौर परिषद के दोनों वरिष्ठ पार्षदों के बाद महापौर नीरज पाल ने भूखंडों की बिक्री, राजस्व की प्राप्ति आदि को लेकर सभापति के माध्यम से विपक्ष के पार्षदों को जवाब दिया। विकास विभाग के द्वारा 29/8/2020 को 1248 भूखंडों को विक्रय करने के अनुमति हमको मिली। उसके बाद इसके लिए लाइन नगर निगम को एजेंसी भी शासन के द्वारा किया गया। अंतरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु कलेक्टर जिला दुर्ग को अधिकृत किया गया। इसी प्रक्रिया के शासन के पत्रानुसार भूखंडों के अंतरण से प्राप्त राजस्व आनुपातिक रूप से राजस्व मद और नगर निगम मद में जमा कराया जाएगा, ऐसा शासन का मंशा थी। लेकिन उसको हमने पिछले महापौर परिषद की बैठक से, क्योंकि 5-5.5 करोड़ रुपए लगभग हमारे पास आ चुका है, ये क्योंकि भूमि नगर निगम की थी और इसका अधिकार भी नगर निगम का है, ये अनुमति हमको दी जाए कि इसका पूरा लाभ नगर निगम के क्षेत्र में इसका लिया जा सके, ये पत्र जा चुका है। उसके बाद मौके पर सत्यापन कराया जाने पर 900 जो 1238 में से 962 भूखंड ही उपलब्ध थे, उसमें से कुछ हमारी योजनाओं में चले गए थे, कुछ 96 भूखंड जो है वो अवैध कब्जे में चले गए थे, जो कि उसके ऊपर अभी आगे कार्रवाई होना है। वो डिटेल भी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दे सकता हूँ। प्रशासक महोदय द्वारा पारित संकल्प दिनांक 1/4/2021 जो भी बात कर रहे थे पीयूष जी द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश ग्रुप द्वारा अनुमोदित समिति के अनुशंसा के अनुसार 25 भूखंडों के अंतरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। दो चरणों में 25 भूखंडों के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें से 23 भूखंड के लिए निविदा स्वीकृत हुई थी। 23 भूखंड जो है वो से आउट हो गए थे, नीलामी में उन लोगों ने भाग लिया था। दो भूखंडों के लिए निविदा प्राप्त नहीं हुई थी, जिसमें कोई भाग नहीं लिया। दूसरी बार में निविदा में हमको नगर निगम को हमारे कोष में लगभग 5,31,00,000 रुपए की आय, 31,32,55 रुपए की आय जो है राजस्व की प्राप्ति थी, जो निगम कोष में जमा है। वर्तमान में भी 939 भूखंडों को फिर से उनका ऑक्शन किया जाना है, जिसमें से मौके पर सत्यापित 117 भूखंडों की जानकारी नगर निगम में ये विषय आने के पहले हो चुकी थी। कुछ भूखंडों की जानकारी आनी थी, लगभग 280 भूखंडों की सत्यापित जानकारी अभी हमारे पास आ गई है, जिसको हम लोग नीलामी के माध्यम से नीलामी में जा सकते हैं, ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से जा सकते हैं। इसके बाद भवन अनुज्ञा जाकर क्रमशः भूखंडों का परीक्षण कराकर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सदन से ये अपेक्षा है कि ये इसमें उनकी सहमति अगर हो जाती है, क्योंकि हमारे अपने स्तर पर यहाँ पे नीलामी होना है, कलेक्टर महोदय उसके लिए शासन से नियुक्त है, इससे हमारे नगर निगम को एक प्रीमियम के रूप में बड़ी आय मिलेगी, जो नीलामी के माध्यम से उसके बाद संपत्ति कर और जो साथ में जो दूसरे कर जो होते हैं वो सारे एक आय के रूप में मिलेंगे। इससे नगर निगम की एक स्थायी आय भी होगी और प्रीमियम के रूप में एक बड़ी राशि हमको मिलेगी, जिससे हम अपने क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र में कुछ काम कर पाएंगे। इसी मंशा के साथ ये प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत था। मेरा सदन से अनुरोध
की सारी चीजों को भूल के इसको अगर सहमति देंगे तो ये नगर हित में, नगर निगम के हित में होगा, ऐसी मंशा मेरी है। सभी सदन के सम्मानित सभी 70 पार्षदों से आग्रह है कि शहर नीलाम क्यों होगा, आगे शहर की नीलामी क्यों करवानी चाह रही है। खड़ा बंद हुआ था उसके बाद से सिस्टम चलते आ रहा है, कोई औने बन की बात नहीं है, ये औने टेंडर होगा और जिससे राजस्व लाभ मिलेगा। और जहां तक तारा लेटर प्रेषित भी किया गया है कि भाई ये जो पैसा निगम में रह जाकर क्या हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे मुख्य पैसा नहीं होता, अधिकारी बता दीजिए अकाउंट है। पार्षद जी, ये योजना का जो प्लॉट है पहले से था, अभी कहने के योजना का प्लॉट जो है साढ़ा कार्यकाल से रखे हुए हैं सन 1999-2000 में माननीय श्रीमती शहर की संपत्ति को बेचना निश्चित कहीं ना कहीं दिवालियापन अगर हासिल हो रहा है। आप बता दीजिए कि शहर दिवालिया घोषित हो गया तो हम 70 पार्षद आपको अनुमति देते हैं। पार्षद जी, अध्यक्ष महोदय, ये योजनाओं के तहत बाहर से आ रहा है, इसी का योजनाओं के तहत इसको बेचा जा रहा है, जो योजना लागू है उसी के तहत किया जा रहा है। जब इसका अभी तक आदेश नहीं आया था, आदेश जब आएगा तभी है इसी का योजना के तहत आदेश दिया जा रहा है। ऐसी कौन सी योजना आई है हमें बता दी जाए, या ऐसी कौन सी योजना है जिसे सामान्य सभा ने पास की है कि शहर की सरकार बेचा जाए? ये अभी की योजना नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये पुरानी योजना है, बहुत पुरानी योजना है। आपको यहाँ पूछने के लिए आया था इसको सूचना देने के लिए। अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका निगम अधिनियम से चलती है, किसी के बोलने का बिल्कुल किसी के बोलने से नहीं चलते, नियम नहीं चल रही है, लेकिन सूचना प्राप्त है और पुराना मुद्दा है और पुराना एजेंडा है और पुरानी योजना है। सम्मानीय लक्ष्मीपति दादू जी मेरे बड़े भाई हैं। बिल्कुल, मैं महोदय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल मेरे भाई का मैं सम्मान करता हूँ, मैं उनकी भावना को समझता हूँ, उनकी भावना से अवगत हूँ। मैं भी चाहता हूँ भिलाई नगर निगम विकास करे और भिलाई नगर निगम तरक्की करे। मेरी भी योजना है, लेकिन पुरानी योजना है। इससे होने वाली आय, क्योंकि वह शासन नहीं मानता कि राजस्व भूमि कुछ वहाँ है, तो वो अपना अधिकार कुछ अनुपातिक रूप से चाहता था, जिसको हमने बोला है कि क्योंकि ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है नगर निगम की, इसका पूरा लाभ जो पिछले 23 लाख की नीलामी से आया है वो भी हमारे नगर निगम के कोष में लगभग 5.5 करोड़ रुपए जमा है, और इससे भी ऑप्शन के बाद एक अच्छी खासी इनकम होगी और संपत्ति कर के रूप में भी हमारी आय बढ़ेगी, जो कि हमारे शहर के विकास में सारे वार्डों के पार्षदों के क्षेत्र में काम करने के, विकास करने के काम आएगी। ये इससे इनकम नगर निगम की बढ़ेगी, कोई हम दिवालिया नहीं हो रहे, और इससे विकास का हम लोग आगे जो काम है जो सभी वार्डो में करना है उसको हम कर पाएंगे। सुखपुरा जितनी भी जगह है इस राशि में लिखा हुआ है कि नगर पालिका निगम विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अधिपत्य की भूमि है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सन 1999 में नगर निगम बन चुका था। नगर निगम बनने के बाद जितनी भी हमारी जो भूमि है वो हमारी अपनी भूमि है, ना कि नजूर की भूमि है। ये मेरा मानना है, और मेरा मानना नहीं है, कागज बोल रहा है, एग्रीमेंट बोल रहा है। भूखंड भूमि के अंतरण के प्राप्त राजस्व की अनुमति के रूप में राजस्व मत छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मत में शहर सरकार की संपत्ति बेचेंगे आप, और राजस्व मत छत्तीसगढ़ शासन के इसमें जमा करेंगे। ऐसी क्या नौ बता रहे की राज्य सरकार हमारे सरकार चाहती है कि शहर में उसके बाद शहर की विकास कराए, पूरा करें।
वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने भी सदन में अपने विचार रखे। सामान्य सभा की बैठक दिनांक 25 तारीख को आहूत की गई। उस बैठक में विषय के रूप में जिस पे आज चर्चा हो रही है, उस विषय के रूप में नगर पालिक निगम में विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं के रिक्त व्यावसायिक आवासीय आवासीय सह व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव लाया। अध्यक्ष महोदय, आवंटन के संबंध में अनुमति आप चाहते हैं और विषय की संक्षेपिका जो हमको देते हैं उसमें जिन बातों का आपने उल्लेख किया है उसमें विभिन्न रिक्त व्यवसायिक आवासीय आवासीय सह व्यवसायिक भूखंडों के आवंटन, इसमें सबसे पहले संक्षेपिका में जो कि नगर निगम है, नगर निगम नियम अधिनियम 1956 के तहत इस कानून के किताब के तहत चलता है। इसमें मेरा व्यक्तिगत मत या आपका व्यक्तिगत मत का कोई महत्व नहीं। इस कानून के अंतर्गत आपको चलना है और कानून में रिक्त भूखंडों को नीलाम करने का अधिकार विभिन्न धाराओं में आपको दिया हुआ है। और आप नगर निगम की आय बढ़ेगी इस नियत से इस प्रस्ताव को लेके आए। ये प्रस्ताव में अधिकार हमको कब बना? ये राजपत्र में जब इसकी घोषणा की गई, राजपत्र में नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 15 नवंबर 2021 को। बहरहाल नगर निगम की सामान्य सभा में सभी पार्षदों सहित निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, सभी जोन के आयुक्तों और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।